हर व्यक्ति अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित होता है, क्या वो खिलाड़ी हो, कोच हो या कोई सर्विस के अंदर हो। इसलिए हम देखा अभी हमने बिना मांगे हुए जो गुड गवर्नेंस पे भागीदार बनते कर्मचारी उनके लिए हमने ओल्ड एज पेंशन लागू करी राजस्थान के, और पूरे देश के अंदर उसका स्वागत हुआ है। तो खेल और खिलाड़ी भी निश्चिंत रहें, जो भी संभव होगा जो आपके सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम चाहेंगे कि इस प्रकार पेंशन के हकदार बन सके हैं। 229 लोगों को आउट ऑफ टर्न नौकरी मिली है, खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण है, और अभी हाल ही में मैंने पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को भी ओलंपिक खिलाड़ियों की तरह ही अभी 10 दिन पहले हमने कैबिनेट के अंदर फैसला किया है, इंदिरा गांधी नहर योजना में 25 बीघा जमीन देने का फैसला किया है। ओलंपिक में अभी जो ग्रामीण ओलंपिक में भाग लेंगे, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में, उनको भी राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर जो विजेता होंगे उनको भी हम चाहते हैं कि जो कॉन्टेस्ट सब्जेक्ट होती है उनको तरीका निकालेंगे कि उनमें विजेताओं को भी प्रोत्साहन मिले और कॉन्टेस्टुअल नियुक्ति के लिए वो प्रायोरिटी भी आ सके, ये हमारा प्रयास है। अशोक चांदना जी कह रहे हैं कि निदेशालय विभाग की तरह ढांचा बने विभाग का, तो और मजबूती के साथ में ये जगत में काम हो सके। उसको कृष्णा जी और अशोक चांदन जी आप पर बात करके तय करेंगे कि क्या उसका स्वरूप हो, क्या बन सकता है, फिर मुझे बताएंगे, अगले बजट के अंदर मैं उसकी घोषणा कर पाऊंगा समझ करके। प्ले एंड प्ले एंड प्ले प्ले योजना, इसके बारे में, और 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर रहे हैं, वशिष्ठ अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड, इसकी मैं घोषणा करता हूं कि ये दोनों लागू कर दिया जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये समझ के परे हैं, सरकारें डेमोक्रेसी के अंदर आती जाती रहती है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, विचारधारा आधार पर सरकार आती है जाती है। पर हमने हमेशा प्रयास किया, जब जब भी मुझे अवसर मिला आप सबके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से, आपकी दुआओं से, एक मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं, परंतु मैंने कभी भी पिछली सरकार की कोई योजना को बंद नहीं किया, क्योंकि समय बर्बाद होता है, काम को आगे बढ़ाना चाहिए जो शुरुआत कर दी गई है। पता नहीं जब हमारी सरकार बदलती है तो नई सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी सोच को समझना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, इनके माइंड में क्या है। ये हमारी योजना है, रिफाइनरी थी राजस्थान में जो आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, या पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है जहां हजारों लोगों को, नौजवानों को प्लास्टिक आधारित उद्योग लगाने के अवसर मिलेंगे, 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो, सरकार बदली और उनको बंद कर दिया गया 5 साल। अब वापिस जब हम आए, वो जस्ट पहले हमारे दबाव से वापस शुरू किया गया, 5 साल की देरी से वो 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो अब 70,000 करोड़ का हो गया, मतलब 30,000 करोड़ भी ज्यादा खर्च होंगे उसके अंदर। तो ये समझ के परे कि राजीव गांधी के नाम से जो अवार्ड है अगर केंद्र में था, और राजीव गांधी वो व्यक्तित्व है, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के गया था 80 के अंदर, तब मैं डिप्टी मिनिस्टर बन गया था इंदिरा गांधी जी के साथ में, तब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना था। मुझे याद है कि राजीव गांधी एशियन गेम्स हुए थे देश के अंदर, उस वक्त में राजीव गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी खेलों के आयोजन करने के अंदर उस जमाने के अंदर, और संभवतः इसी कारण से जब वो शहीद हो गए देश के लिए, इंदिरा गांधी शहीद हो गई, फिर वो शहीद हो गए, आपको मालूम है
प्रदेश को एक रखा अखंड रखा, उस राजीव गांधी के नाम से जो भारत रत्न भी है, पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके नाम से अगर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किया गया, उसको बंद करने के तुक्के क्या है, ये मेरी समझ पर है। ये कोई समझ में नहीं आता है। अगर सरकार इस प्रकार से बदले के नाम को तो उसका क्या क्या मैसेज आएगा? अगर हम इस प्रकार की भ्रमण डालेंगे और नाम बदलते रहेंगे, कोई नाम हम रखेंगे तो वो बदल देंगे, वो रखेंगे तो हम बदल देंगे, ये परंपराएं किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं मानी जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भावना सभी राजनीतिक पार्टियों में आए देश के अंदर, और कम से कम खेल जगत को बख्शे। खेल में कोई राजनीति नहीं होती है, खेल के मैदान में दूरदृष्टि, पक्का इरादा रखकर के खेल खेले जाते। मेरा मानना कि अगर बचपन में हम लोग छात्रों को इस और रुझान पैदा करें, वो जो खेल के मैदान में सीखता है, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता पैदा होती है, उसके अंदर दूरदृष्टि होती है, वो तमाम उसमें जो प्रतिभा पैदा होती है वो खेल के मैदान में होती है। तो खेल में क्या राजनीति हो, खिलाड़ियों में क्या राजनीति हो, ये बंद क्यों किया गया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट मैं मानता हूं। और मैं घोषणा करता हूं राजस्थान में तो शुरू किया जाएगा वापस राजीव गांधी खेल अवार्ड को।